स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ अंकिता। चलिए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों। गढ़ा थाना क्षेत्र के सुपाताल तालाब में शनिवार शाम 8 साल के बच्चे की डूबने से मौत हो गई। बच्चा, जिसका नाम चीनू था और जो पैरालिसिस से पीड़ित था, अपने दादा के साथ तालाब के पास स्थित मंदिर में पूजा करने गया था। पूजा के दौरान चीनू घूमते घूमते तालाब के पास पहुंच गया और अचानक गायब हो गया। बच्चे की खोजबीन में 24 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद स्थानीय लोगों और गोताखोरों की मदद से रविवार को चीनू का शव तालाब के बीच से बरामद हुआ। बच्चे का शव देखकर वहां सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई। जब शव को पानी से बाहर निकाला गया तो परिजन फूट फूट कर रोने लगे। मौके पर पहुंची गढ़ा थाना पुलिस ने शव का पंचनामा कर उसे पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। बच्चे के दादा राजकुमार ने बताया कि पूजा के दौरान चीनू अचानक कहीं चला गया था। उसकी काफी तलाश की गई लेकिन वह नहीं मिला, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। खास बात यह रही कि जब मृतक के शव को मेडिकल कॉलेज ले जाना था तब एम्बुलेंस उपलब्ध न होने के कारण शव को रिक्शे में ही ले जाया गया। यह दृश्य देखकर स्थानीय लोग स्तब्ध रह गए। चीनू के गायब होने के बाद से ही स्थानीय लोगों ने उसकी आसपास के इलाके में तलाश शुरू कर दी थी लेकिन वह नहीं मिला। रविवार सुबह तालाब के बीच में उसका शव मिलने के बाद पूरे मोहल्ले में शोक की लहर दौड़ गई है। जैसा कि आपने अभी देखा है कि तालाब में बॉडी, मुझे भी जानकारी हुई। हम लोग भी सुबह से 9 बजे से अभी ढूंढ रहे थे बच्चे को। मैं मदन महल में रहा तो मुझे मित्र ने बताया कि बॉडी मिल गई है। ये बच्चा कल अपने दादा के साथ वही शक्ति मंदिर, घर से थोड़ा सा ऊपर है, वहाँ दर्शन के लिए उनके दादाजी के साथ गया और किस कारण बस उसका हाथ वगैरह छूट गया था और गुम गया। तो आधा घंटे बाद जब उसके दादाजी ने बताया कि बच्चा गुम गया है, तभी से हमारे यहाँ बस्ती के लोग, सारे बच्चे, लेडीज़ें भी, सभी लोग ढूंढ रहे हैं और गढ़ा थाने में रिपोर्ट भी की है। और जब जानकारी हुई तो यहाँ पर उसकी अभी सुबह तालाब सुपा तालाब में बॉडी मिली है। उसका नाम सब लोग चीनू चीनू कहते हैं। मेरे घर के बाजू में, हम लोग सिंगरहाना मोहल्ला में रहते हैं और मेरे घर के बाजू उसका बच्चा है। मेरा नाम हेमराज सिंह है। सुबह कल शाम को अशोक सिंघरा इसी घर मोहल्ला में रहता है। ये अपने नाती को लेकर छुईकदम में शिव मंदिर बना है, वहाँ उसको दर्शन कराने के लिए लेकर गए थे। वहाँ से वो बच्चा मिस हो गया और लगभग इसको 3 साल से पैरालिसिस भी है और मानसिक उससे कमजोर है। आज सुबह सुपाताल में इसकी डेड बॉडी मिली, जिससे वैधानिक कार्रवाई की गई।